देश की तमाम जेलों के अंदर देश का बहुजन किसी न किसी जुर्म के आधार पर जेल काट रहा है। देश का तमाम मुसलमान जेलों के अंदर है, उनके ऊपर कोई केस नहीं है, जबरदस्ती तरीके से उनको जेलों में बंद किया गया है। आप लोगों के ही द्वारा पूरे देश में आपने देखा है किस तरीके से छोटे छोटे जुर्म के आधार पर उनके घरों को गिराया गया, उन पर बुलडोजर चलाया गया। रामदेव भी नरेंद्र मोदी की टीम का एक हिस्सा है, उनके बयानों को कभी प्रमुखता ना दे, लेकिन हाँ, जो ये बयान जो उन्होंने महिलाओं के सम्मान को तार तार करने के लिए जो दिया था, इसकी तो जितनी भी आलोचना की जाए वो कम है। ऐसा बाबा सम्मान योग्य नहीं हो सकता। लेकिन पूरे देश को आज बेच दिया गया है, तमाम सरकारी जितने भी संस्थाने हैं सबको पूरी तरीके से किसी न किसी प्राइवेट उद्योगपति के हवाले कर दिया गया है। यह आईडी है, ईवीएस जो भी है, सब पर नियंत्रण बीजेपी की सरकार ने, उनके नेताओं ने किया हुआ है। विपक्ष के जितनी भी पार्टियां हैं आज जो सत्ता में है या सत्ता से विहीन है, जितनी भी पार्टियां काम कर रही हैं अलग अलग प्रदेशों में भी, अगर उनकी सरकारें हैं तो उनके मंत्रियों के ऊपर, मुख्यमंत्रियों के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर तमाम ईडी के और इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। लेकिन एक भी नेता ऐसा नहीं आज तक सामने आया भारतीय जनता पार्टी का जिसके दरवाजे पर जा करके ईडी ने या सीबीआई ने या इनकम टैक्स ने कभी किसी तरीके को दस्तक दी हो। इसलिए विपक्ष को आज जरूरत है अपने अधिकारों के लिए, उसके लिए एक सम्मेलन हो, एक महासम्मेलन हो, जो आज ये हो रहा है नई दिल्ली में रामलीला मैदान में, तो इसकी जरूरत है। और जरूरत आप कह रहे हैं कि जो ईडी है, सीबीआई है, इनका दुरुपयोग हो रहा है, बिल्कुल दुरुपयोग, ये तो सरकारें पहले भी ऐसा करता रही है। नहीं देखिए, पहले होता था लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। सत्ता का दुरुपयोग सभी ने किया है, लेकिन जो आज की परिस्थितियां हैं ये परिस्थितियां बहुत ही ज्यादा घातक है, बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। देश को बिल्कुल एक कह सकते हैं कि डुबोने की उस तर्ज पर काम हो रहा है। देश का लोकतंत्र जो है वो पूरी तरीके से खतरे में है। अभी 3-4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, कुछ राज्यों में अभी चल भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 2 विधानसभाओं में, 1 लोकसभा की सीटों पर चुनाव हुए हैं। वहां देखा गया रामपुर में, खतौली में, कि वहां जो मतदाता है उनको घरों में कैद कर दिया गया, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा। तो ये पूरी तरीके से तानाशाही है, और इस तानाशाही के खिलाफ देश को आना पड़ेगा और देश को जागना भी पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। लेकिन जो मोदी जी सरकार चला रहे हैं उसका नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सब तो खुश हैं पूरे देश में, प्रदेश में। देखिए, सबका साथ, सबका विकास, साथ ही उन्होंने कर दिया सबका विनाश। एक लाइन इसमें और जोड़ सकते हैं हम लोग, क्योंकि आज पूरे देश का विनाश हो रहा है। पूरे देश को आज बेच दिया गया है, तमाम सरकारी जितने भी संस्थाने हैं सबको पूरी तरीके से किसी न किसी प्राइवेट उद्योगपति के हवाले कर दिया गया है। तमाम देश का तंत्र, चारों के चारों स्तंभ आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। लेकिन मुर्मू साहब ने जो स्पीच दिया था पिछले दिनों, जो राष्ट्रपति हमारे देश के, उन्होंने कहा था कि जो जेलों में हालत है, कुछ लोग जो बेगुनाह लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, जेलों में पड़े हैं, उनके इस स्पीच का क्या मतलब समझते हैं आप? कुछ भी नहीं है, सब दिखाने की चीजें हैं। जिस तरीके से आज राष्ट्रपति के पद को एक रबर स्टैंप के तौर पर नाम दे दिया गया है, राष्ट्रपति जब किसी सभा में पहुंचती है और उसी सभा में अगर देश का गृह मंत्री या देश का प्रधानमंत्री हो तो वहां हाथ जोड़ करके राष्ट्रपति खड़ी होती है। देश का सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति। तो ये तानाशाही है किसी मनुवादी व्यवस्था की व्यक्ति के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के ऊपर। कभी आज तक आपने देखा कोई ईंट किसी की गिराई हो? लेकिन गरीबों के तो पूरे के पूरे घरों को तहस नहस कर दिया जा रहा है। लेकिन एक घटना बहुत और प्रचारित की जा रही है, जो बाबा रामदेव है वो कह रहे हैं कि महिलाएं मुझे बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती हैं, उनके बहनों किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, रामदेव तो खुद स्वयं एक कपड़े के लिथड़े में लिपटा रहता है, और जिस सर जमी पर आज खड़े हुए हैं यही वो जगह थी जहां से वो एक लेडीज का सलवार पहन करके देश के अंदर एक पहला शख्स था जिसने यहाँ से भागने का काम किया लेडीज कपड़े पहन करके। तो रामदेव के बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो खुद ना पुरुष है ना महिला है। रामदेव भी बीजेपी को ही कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है रामदेव। जिस समय देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यानी कि मैं कहूँ तो संयुक्त सरकार थी, उस समय यही बाबा तमाम चैनलों के माध्यम से 35 रुपए पेट्रोल,
देशों के बाहर छुपा हुआ काला धन देश के विकास की बात करने की जुमले छेड़ने का काम किया करता था, लेकिन आज वो सारे के सारे जुमले बिल्कुल हवा हवाई है। लेकिन बीजेपी के नेता तो उनके पास जाते हैं रामदेव के। अरे ये तो अंधविश्वास पर चलने वाले लोग हैं, ये तो देश को भी अंधविश्वासी में डालना चाहते हैं। ये लोग सदैव पहले से ही, ना ही तो इन्होंने कभी विज्ञान को महत्व दिया है और ना ही इन्होंने कभी मानवता को महत्व दिया है, तो ये लोग अंधविश्वास के द्वारा इस देश को चलाना चाहते हैं, जो बिल्कुल मैं समझता हूँ नासमझी वाली चीजें होंगी। देश के अंदर कोरोना आया, पूरी दुनिया में आया, तो ये तो कोरोना भी आपने देखा होगा, शायद आपने भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उसको कवरेज दी होगी कि ताली बजा करके, थाली बजा के, टॉर्च जला करके, लाइट जला करके कोरोना भगाया जा रहा था। तो उसी तरीके से ये नया जुमला इनका है, तो इनके जुमलों पर ध्यान नहीं देना चाहिए हमें, जो अपने कार्य हमें उनको करना चाहिए। संविधान के द्वारा जो हमें अधिकार है, मानवता के रूप में जो विज्ञान हमें जो शक्ति देता है, उसको हमें सहज रखना चाहिए। बाबा साहब के नाम का ये सच्चाई है, मैक्सिमम जितनी भी अधिकतर पार्टी है उनके नाम का इस्तेमाल कर रही है, उनके चित्र का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि